स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत से बच्चे हमेशा क्लास में पीछे बैठते हैं। ये बैक बेंचर्स कहलाते हैं। परीक्षा में भी इनके कम अंक ही आते हैं, लेकिन ये औसत दर्ज के स्टूडेंट्स कई बार इतिहास पलट देते हैं। आज की सक्सेस स्टोरी में हम आपको एक ऐसे यूपीएससी क्रैकर के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक औसत छात्र था। उन्हें पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी। वो खुद बताते हैं कि कभी उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा, पर कैसे आज वो आईएएस अफसर की कुर्सी पर बैठे हैं। एक एवरेज स्टूडेंट ने कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी नहीं बल्कि सिविल सर्विसेज वाली प्रतिष्ठित नौकरी कैसे हासिल की, आइए जानते हैं उनके बारे में। उनका नाम है वैभव छाबड़ा, जो बार बार असफल होने के बावजूद भी अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं हुए और अंत में वह इस परीक्षा को पास करने में सफल हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलेगी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वैभव छाबड़ा राजस्थान दिल्ली के रहने वाले हैं। वे सामान्य परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। वैभव की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से ही हुई। उन्हें पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। शुरुआत में वह पढ़ने में ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे मन पढ़ाई से दूर होता गया। इसी कारण पढ़ाई के मामलों में उनका प्रदर्शन हमेशा औसत ही रहा। वैभव ने बीटेक का कोर्स नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट से किसी तरह से 55% अंकों के साथ 5 वर्षों में पूरा किया। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वैभव एक कोचिंग संस्थान में फिजिक्स पढ़ाने लगे, क्योंकि इनका मन पढ़ाई की तरफ से एकदम हट चुका था। परंतु कोचिंग संस्थान में लगभग 2 वर्षों तक पढ़ने के बाद इनको ये अभ्यास होने लगा कि वह इससे भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, और यहीं पर पहली बार इनके मन में आईएएस बनने का विचार आया। वैभव बताते हैं कि जब ये बात उन्होंने अपने परिवार वालों को और दोस्तों को बताई तो सभी ने उनका उत्साह बढ़ाया, लेकिन कुछ और लोग भी थे जिन्होंने ये कहा कि ऐसी चीज के लिए अच्छी नौकरी छोड़ना जिसकी कोई गारंटी नहीं है वो ठीक नहीं है। उनके मन में कुछ तो उथल पुथल हुई, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया। कोचिंग छोड़ने के बाद वैभव को BSNL में नौकरी मिल गई, लेकिन उनका यहाँ भी मन नहीं लगा और आईएएस बनने की लालसा के कारण इन्होंने ये नौकरी भी छोड़ दी। ये कहावत आपने भी सुनी ही होगी कि मनुष्य वही जाता है जहाँ उसकी नियति ले जाना चाहती है। अब जब वैभव ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी तो उनके सामने अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, लेकिन वैभव पॉजिटिव रहे और इसी पॉजिटिव थिंकिंग को आधार बनाकर वैभव ने पहली पढ़ाई की शुरुआत कुछ घंटों से शुरू की, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। जैसे जैसे वैभव को पढ़ाई में कुछ रुचि बढ़ने लगी तो उन्होंने लाइब्रेरी भी जाना शुरू कर दिया और वहां पर ये 12-12 घंटे तक पढ़ाई करते रहे। इसी बीच जब वैभव की तैयारी अपनी गति पकड़ चुकी थी तो उन्होंने UPSC का फॉर्म भी भर दिया, तो उसी समय इनके साथ एक दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में इनके पीठ में काफी चोट आने के कारण डॉक्टर ने इनको लगभग 8 महीने के लिए बेड रेस्ट करने के लिए कहा। इस मुश्किल समय में भी वैभव ने अपनी पढ़ाई को बंद नहीं किया और वह बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपनी तैयारी करते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि वर्ष 2018 में वैभव को UPSC परीक्षा में 32वीं रैंक प्राप्त हुई और उनका IAS बनने का सपना पूरा हुआ। वैभव ने सफलता को प्राप्त करने के पहले 8 दफा असफलता का भी सामना किया, लेकिन वो कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंततः उनको उनकी मंजिल मिल गई। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो कमेंट पर लिखकर हमें जरूर बताएं। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।